हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, शरीर का एक अंग जो कभी भी विश्राम नहीं करता, रेस्ट नहीं करता, वो है हमारा हृदय। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग सोते भी उस टाइम भी हमारा शरीर का जो हृदय है वो वर्क करते रहता है। वो हर 0.8 सेकेंड में ब्लड को एक बार पूरा शरीर से पंप करता है और फिर वापस हृदय तक लाता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड में एक बार पूरा ब्लड को पूरा शरीर में पंप कर देता है, इसलिए वो कभी रुकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़े के पैर की कुल संख्या कितनी होती है? तो केकड़े में आप देखोगे तो आपको 10 पैर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गर्म खून वाले जंतुओं में उच्च शारीरिक तापमान बना रहता है ताकि वे तेज़ी से चल सके। ठीक है, जो भी गर्म खून वाले जंतु होते हैं उसमें उच्च शारीरिक तापमान बना रहता है ताकि वो तेज़ी से चल सके। अगर तापमान कम कम रहेगा तो वो चलने में उसको दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जंतु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन है? तो ये गुरिल्ला। जंतु जगत में अगर देखोगे सबसे निकट है तो वो गुरिल्ला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः तो क्या समानता पाई जाती है? तो सभी में खाद्य तेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो जो मुख से निकलती है लार वो सिर्फ स्टार्च का पाचन कर देती है। ठीक है, जितने भी स्टार्च मटेरियल्स होते हैं उसको लार पाचित कर देती है और बाकी भोजन को सॉफ्ट बना के आगे भेज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो ये पित्ताशय से जमा होता है। ठीक है, पित्ताशय में जाके जमा होता है, लेकिन अगर पूछा जाए पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है तो वो होगा यकृत, तब पित्ताशय नहीं होगा। ठीक है, पित्त का निर्माण यकृत से होता है और पित्त जाके स्टोर होती है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी पौधे का खाद्य चलन उत्तक होता है? तो वो होता है फ्लोएम। ठीक है, किसी भी पौधे का खाद्य चलन उत्तक जो होता है वो होता है फ्लोएम, ये टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हशीश पौधे के जिस भाग से प्राप्त की जाती है वो है पत्तियों और मादा पुष्पकर्म के निस्राव से। ठीक है, हशीश जो होते हैं वो पत्तियां एवं मादा पुष्पकर्म के निस्राव से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाती है? तो कोई भी जब आप खाना पकाते हो तो सबसे ज़्यादा लॉस किसका होता है? विटामिन्स का होता है। ठीक है, विटामिन्स जब आप भोजन को काटते हो ना, सब्जियों को, फल को, फ्रूट्स को काटते हो, तब भी बहुत सारे विटामिन्स खत्म हो जाते हैं। अगर उसको धोते हो तो भी खत्म हो जाता है, छीलते हो तो भी खत्म हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा लॉस होता है विटामिन्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 33। ठीक है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो प्रोटीन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वे कौन सी मछलियां हैं जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती है परंतु प्रजनन के समय मीठे पानी में चली जाती है? ठीक है, समुद्र का पानी खारा होता है लेकिन वो मैक्सिमम टाइम अपने पूरा लाइफ खारे पानी में बिता देगा, लेकिन जब प्रजनन का टाइम होगा तो मीठे पानी के तरफ, झील के तरफ चल जाएगा। तो वह हिल्सा और सालमन। ठीक है, हिल्सा मछली जो होता है और सालमन, और इसीलिए मछली सबसे ज़्यादा रेयर मानी जाती है और बहुत ही महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वो व्यक्ति जिसने अपनी इस खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कि मानव शरीर का जो कोशिकाओं में भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार होता है? तो वो वैज्ञानिक थे मैक्यूनॉन। ठीक है, रॉड्रिक मैक्यूनॉन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गोल कृमि एक मानव परजीवी है? ठीक है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो वृद्रांत में पाया जाता है। गोल कृमि कहाँ पाया जाता है? वृद्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसको देह निर्माण कहा जाता है? देह निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन को, हमारे देह का जो निर्माता जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। हमारे शरीर के जितने भी सेल है, टिश्यू है, जितने भी ऑर्गन्स है, सबका निर्माण प्रोटीन से ही हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः तो जो विटामिन्स पाया जाता है वो विटामिन्स क्या है? तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, जितने भी ग्रीनरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक श्रव्य क्षमता की रेंज कितनी होती है? डेसिबल में पूछा गया, तो वो 30 to 40 decibel होती है। ठीक है, 30 to 40 decibel होती है, मतलब ये यूनिट है, 30 to 40 decibel होती है। इस रेंज तक ही आप सुन सकते हो
आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाए जाने वाली संरचना शरीर को गर्म रखने के प्रत्यक्ष रूप में मदद करती है। तो आप देखोगे मैमल्स के जो भी स्किन होते हैं ना, उसकी एक ऐसी संरचना होती है जो उसको गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप में मदद करती है, तो वो है लसिका वाहिनिया। ठीक है, लसिका वाहिनिया गर्म रखती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के अंडे का विकास क्या कहलाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर निषेचन भी नहीं हुआ और अंडे का विकास हो गया तो उसको बोला जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस। मोस्टली क्या होते हैं, पहले फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद अंडे का विकास होता है। यहाँ पे बिना फर्टिलाइज किए अंडे का विकास हो रहा है, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यक्ष्मा में जो औषधि असरदार है वो कौन सी है? तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन यक्ष्मा में सबसे ज़्यादा काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऊँट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना भी रह सकता है, क्योंकि क्योंकि उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होता है। ठीक है, उसका जो जठर होता है ना, उसके ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष पाया जाता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा जल स्टोर रहता है। वो जल जो है ना, वो 3 महीने 6 महीने तक यूज करने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होता है, इसलिए ऊँट जो है ना बहुत टाइम तक मरुस्थल में बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उनके जठर भित्तियों में जलकोष पाया जाता है, वहाँ पे जो स्टोर जल है उसको वो यूज करके जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट को कहते हैं वैक्टर। ओके, जितने भी कीट है जो रोग का संचरण करते हैं उसको वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पोलियो का वायरस जो होते हैं वो शरीर में प्रवेश करते हैं, तो पोलियो का वायरस कहाँ से प्रवेश करते थे? लार और नाक के स्राव से। ओके, लार और नाक के स्रावन से पोलियो का वायरस इन कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? तो वो 120 डेज होती है, उसके बाद वो स्प्लीन में जाके दम तोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लाख बनाई जाती है, तो एक कीट से, इंसेक्ट से ये लाख बनाई जाती है, और इंसेक्ट का जो लार्वा होता है ना उसी से ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विशालतम स्थलचर प्राणी कौन सा, वन्य प्राणी कौन सा है? तो स्थलचर मीन्स जो जमीन में चलने वाला सबसे बड़ा दुनिया का, तो वो होगा अफ्रीकन हाथी। अफ्रीका का जो हाथी है वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सलीपत के लिए वाहक है तो वो है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा सलीपद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, डीएनए की डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, दो वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इज हेमनिथोलॉजी। ठीक है, हेलमिंथोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी कहा जाता है। जितने भी परजीवी से ग्रसित होने वाले रोग होते हैं, कृमि, उसके अध्ययन को हेलमिंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीव के द्वारा वायुमंडल के किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डेट इज नाइट्रोजन। जितने भी दाल होते हैं ना, दाल के पौधे होते हैं, उनके जड़ में राइजोबियम लगे होते हैं, और वो होते हैं ना वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मृदा में ही रख देते हैं, जो बहुत ही मृदा को उपजाऊ बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है, तो वो है बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा अनुकूलनशील और सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण वो है बैक्टीरिया। ओके, क्योंकि इसकी जो प्रजाति है ना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त में शर्करा का स्तर अगर बढ़ रही है तो बीमारी कौन सी होगी? तो ये डायबिटीज मेलिटस होगा। ठीक है, पूरा नाम देख लो, डायबिटीज मेलिटस। ओनली डायबिटीज नहीं, चारों ऑप्शन आपके डायबिटीज ही रहेंगे, लेकिन डायबिटीज मेलिटस कहलाएगा अगर शर्करा की मात्रा बढ़ रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो नॉर्मल इंसान में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5 मिलियंस। ठीक है, आरबीसी की संख्या 5 मिलियंस होती है, आप समझ लो कितना ज़्यादा हो रही है। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।